जयपुर में राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की ओर से पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन वर्कशॉप और क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें लेसन ऑफ पेंडेमिक टू सेव और फ्यूचर एक्शंस विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर एनसी जैन ने कहा कि देश भर में लॉकडाउन के चलते पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिया है। इन दिनों प्रदूषण नहीं होने के चलते देश भर में हवा और नदियां शुद्ध हुई है। वहीं ऑनलाइन वर्कशॉप और क्विज का फेसबुक पेज ग्रीन विजन ऑफ अर्थ लाइव पर प्रसारण किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर आज इस कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य मुद्दा ये था कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाल ही में जो लॉकडाउन का हमारा अनुभव रहा, हम सब ने देखा कि पर्यावरण पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़े हैं। हवा बहुत शुद्ध हो गई थी, नदियों का जल शुद्ध हो गया, गंगा पवित्र हो गई, आकाश बहुत साफ दिखने लगा, पंछी अपने घरों में आने लगे और कई वन्य जीव स्वच्छता से विचरण करने लगे, प्रकृति पूरी मुखरित हो चुकी। दोस्तों, चर्चा इस पर की गई कि इन पॉजिटिव प्रभावों को हम कैसे रख सकते हैं, कैसे बनाए रख सकते हैं, जब तक हम अपने कंजम्पशन को, हमारे संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित नहीं करेंगे, सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम इन संसाधन, इनको पर्यावरण के प्रभाव